पहले आप क्या करते हो कि जैसे आप जहाँ से पेट्रोल डालते हैं वहाँ से फ्यूल निकालने की कोशिश करते हो, और उसके लिए आपको एक पाइप की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसी जगह पे हो, आपको पाइप तो मिलेगी नहीं, तो इस रास्ते को तो हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, बोनट खोलना है और जो आपकी बैटरी है उसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको निकाल लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दो पाइप्स को सर्च करना है अपने इंजन के साथ। जो फ्यूल की आती है एक फ्यूल की इंजन की तरफ आती है, और जो ओवर पाइप होती है वो दूसरी पाइप होती है जो फ्यूल टैंक में वापस भेजती है। फिर जो फ्यूल की पाइप है इसमें एक पिन लगी होती है, इसको आपने प्लास की सहायता से या अपने किसी भी चीज़ की सहायता से आप जो चीज़ है उससे आपको नीचे पीछे कर लेना है। फिर इसको आपको पाइप को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। पाइप निकालोगे कुछ फ्यूल थोड़ा सा बाहर निकलेगा क्योंकि पाइप में फ्यूल रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्यूल बाहर निकलेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपकी चाबी है उसको लगाना है गाड़ी में और उसको ऑन पोजीशन पे कर देना है। मान लो आपसे गलती से स्टार्ट सेल्फ दबाई जाती है, पर कोई बात नहीं है, चलेगी नहीं क्योंकि आपने बैटरी का टर्मिनल निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बोतल लेनी है जिसमें आपको फ्यूल निकालना है और उसको एडजस्ट करना है, और जो पाइप हमने निकाली थी उस पाइप को उस बोतल के मुँह में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो बैटरी का टर्मिनल हमने निकाला था उस टर्मिनल को आपको बैटरी से टच करना है। ठीक है, जैसे आप बैटरी के टर्मिनल को टच करोगे वैसे ही वहाँ से जो हमारा फ्यूल पंप है वो कुछ सेकंड के लिए चलेगा और फ्यूल को आगे की तरफ लाएगा। ठीक है, जैसे आप टर्मिनल को टच करते रहोगे वो थोड़ी थोड़ी 2 सेकंड के लिए चलेगा और फ्यूल को निकालेगा। उस तरीके से आप इसको बार बार टच करके फ्यूल अपनी गाड़ी से निकाल सकते हो। तो ये था दोस्त आसान सा तरीका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि यह इमरजेंसी के काम आने वाली वीडियो है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।